हाँ जी बच्चों, तो हम लोग के साथ पुट ऑप्शन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पुट ऑप्शन का मीनिंग ऑलरेडी आपको मालूम है। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि बायर ने राइटर को पे किया है, कब पे किया है, टी जीरो पर। इसके बदले में राइटर ने बायर को क्या दे दिया है, एक डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर फ्यूचर के अंदर प्राइजेस ऑफ द स्पेसिफाइड असेट एक्सरसाइज प्राइस से डाउन चले जाएंगे तो हमारा जो राइटर है वो बायर को कंपनसेशन पे करेगा जितना भी डाउनफॉल प्राइसेस में आएगा। किससे डाउनफॉल आएगा, एक्सरसाइज प्राइस से, यानी कि स्ट्राइक प्राइस से, ठीक है। यही मीनिंग होता है पुट ऑप्शन का। इसको हम लोग आपके साथ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल कौन सा वाला, सो दिस इज वी हैव अगेन 33 क्वेश्चन एंड लिखा हुआ है सीएमसी लिमिटेड हैज ए शेयर प्रेजेंटली कॉटेड एट रुपीज 100, 3 months कॉल ऑप्शन आयर कैरिंग एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 15 एंड स्ट्राइक प्राइस 120। कॉल ऑप्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, अब हम पुट ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। लिखा हुआ है पुट ऑप्शन फ्रॉम सॉरी यहाँ पर है 3 months पुट ऑप्शन कैरीज अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 20 एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ रुपीज 120, राइट। तो स्ट्राइक प्राइस 120 रुपए का, प्रीमियम का अमाउंट कितना है 20 रुपए का, और 3 months का है, 3 months क्या हो गया, एक्सपायरी डेट, राइट। तो जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे 3 months 2 months नहीं लिखा जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लिखा जाता है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ की जो भी डेट होती है, राइट। चलो आगे चलते हैं। इफ द स्पॉट प्राइस ऑन द एक्सपायरी डेट इज फ्रॉम द रेंज ऑफ 90 to 160 विद इंटरवल ऑफ रुपीज 5, तो 5-5 रुपए के गैप ले लो। 5-5 का गैप लेके हुए बताओ कि अगर हम 5-5 रुपए का गैप ले लेंगे तो बताइए हर एक प्राइस पर हमारा नेट पे ऑफ कितना होगा, बायर का भी और राइटर का भी। ये लिखा होगा ना, prepare a net payoff graph for both call option and put option from both the buyer's perspective and the writer's perspective, right? तो बच्चों let us start this. हमने कहा सर एक काम करते हैं, हम दो चीज लिख लेते हैं, एक तो एक्सरसाइज प्राइस कितना है, सो एक्सरसाइज प्राइस कितना है क्वेश्चन के अंदर 120, और एक प्रीमियम का अमाउंट बता दो, प्रीमियम का अमाउंट कितना है 20 रुपए का। एंड अब हम एक टेबल फॉर्म करते हैं, इस टेबल के अंदर हम लोग डिफरेंट एक्सपेक्टेड प्राइस लिखेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। सो एक्सपेक्टेड प्राइजेस, तो एक्सपेक्टेड प्राइजेस कहाँ से स्टार्ट करना है, 90, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, ठीक है। वो जो एक्सपेक्टेड प्राइस 3 महीने के बाद कुछ भी हो, बट बायर ने प्रीमियम का अमाउंट तो टी जीरो पर ही पे कर देना है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट विल बी पेड बाय द बायर टू द राइटर। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी देयर, क्वेश्चन बताया हुआ है 20 रुपए का, और ये प्रीमियम का अमाउंट हर सिचुएशन में सेम 20 रुपए का ही है। हाँ जी, यस। तो हर सिचुएशन में 20 रुपए का प्रीमियम अमाउंट बायर ने राइटर को पे कर दिया, या ऐसा कहो राइटर ने बायर से रिसीव कर लिया, एक ही बात होती है, ओके। तो बच्चों इसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन के केस में क्या फाइंड करते हैं, ईपी माइनस एमपी, राइट। कॉल ऑप्शन में क्या फाइंड करते हैं, एमपी माइनस ईपी, एंड पुट ऑप्शन में क्या फाइंड करते हैं, ईपी माइनस एमपी। इसका मीनिंग होता है, मैं बताऊंगा मीनिंग क्या होता है। पहले हम ईपी बता दो कितना है, एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस कितना है 120। सो ईपी इज 120 एंड एमपी इज फर्स्ट केस में 90, तो ये कितना हो जाएगा 30, एंड देन 25, एंड देन 20, एंड देन 15, एंड देन 10, एंड देन 5, एंड देन 0, माइनस 5, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 20, माइनस 25, एंड माइनस 30, और माइनस 35, और लास्ट में 40, माइनस 40, राइट। बच्चों अब ध्यान दीजिए, हमने आपको कहा था कि पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्राइस, मतलब अगर एक्चुअल प्राइस आफ्टर 3 months एक्सरसाइज प्राइस से कम हो जाएगा तो राइटर जो है बायर को कंपनसेशन देगा। तो देखो 3 महीने के बाद प्राइस हमने क्या लेट किया हुआ है 90, अगर प्राइस 90 हो जाता है तो एक्सरसाइज प्राइस 120 था, 120 से 190 हो गया, तो प्राइस कितना डाउन हो गया 30 रुपीज। तो यहाँ पर राइटर बायर को कितना अमाउंट पे करेगा 30 रुपीज, हमने 30 ये निकाला। तो बेसिकली ईपी माइनस एमपी बेसिकली क्या चीज है, हाउ मच अमाउंट राइटर विल पे टू द बायर आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 months इफ द प्राइस विल बी, इफ द प्राइस इज 90। बस अगर प्राइस 90 ना होके 95 हो तो राइटर जो है बायर को कितना पे करेगा 25 रुपीज, हमने ये फाइंड किया है ना। अगर प्राइस 100 हो तो राइटर बायर को कितना पे करेगा, जितना भी प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम हो जाता है दैट अमाउंट विल बी पेड बाय द राइटर टू द
टू द बायर। तो कितना अमाउंट पे करेगा, 15, 10, 5 एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं, राइट। अच्छा, इन सिचुएशन को जब हमारा राइटर पे कर रहा है तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन द मनी सिचुएशन, बट जब जीरो आ गया है तो इसको क्या बोलते हैं, एट द मनी सिचुएशन। और बच्चों जब ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ मनी सिचुएशन, मतलब जब प्राइजेस डाउन नहीं हुए, प्राइजेस अप हो गए, तो राइटर बायर को कुछ भी पे नहीं करने वाला, राइट। तो हम लोग यहां पर पहले यहां पर सिचुएशन लिख देते हैं, एंड द सिचुएशन इज we have क्या लिखेंगे, यस प्लीज, इन द मनी, 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 इन द, कब तक, पॉजिटिव वाले केस में, और जीरो वाले में क्या हो जाएगा, एट द मनी, ठीक है, और नेगेटिव वाले केस में क्या हो जाएगा, आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी। तो आउट ऑफ मनी की जितनी भी सिचुएशंस है ना, उन सबको क्या क्या कर दिया जाएगा, जीरो। So, बच्चों अब मैं आपको कहता हूं कि बच्चों बताओ वैल्यू ऑफ पुट कितनी आई है, तो आप कहेंगे सर वैल्यू ऑफ द पुट आई है 30, 25, 20, 15, 10, 5 एंड 0। तो बच्चों ये वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन बेसिकली क्या चीज है, दिस इज एन अमाउंट दैट विल बी रिम्बर्स्ड बाय द राइटर टू द बायर ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, राइट। और यहां पर माइनस फाइव वाले केस में कितना अमाउंट हमारा राइटर बायर को रिम्बर्स करने वाला है, कुछ भी नहीं, यानी कि जीरो। रिम्बर्स तो तब करेगा जब प्राइजेस एक्सरसाइज प्राइस से कम हो जाएंगे। तो देखो प्राइजेस तो अब ज्यादा हो रहे हैं, जब ज्यादा होंगे तो हमारा राइटर जो होगा वो बायर को कुछ भी रिम्बर्स नहीं करने वाला। आई थिंक क्लियर, ओके। तो ये हो गई अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट। अब हम फाइंड करना चाहते हैं नेट पे ऑफ, और ये नेट पे ऑफ जो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो किसके एंगल से करना चाहते हैं, सबसे पहले बायर के एंगल से। मैं इसको ए और बी नाम दे दिया, सपोज टू बी ए, दिस इज टू बी बी। तो बच्चों बताओगे बायर को कितना अमाउंट रिसीव होगा, हमने कहा उसको मिले 30 रुपए, पर इस 30 रुपए के लिए वो 20 रुपए ऑलरेडी पहले से पे कर चुका है, तो हमारे बायर को अमाउंट जो रिसीव होगा डेट विल बी बी माइनस ए। तो यू कैन से 10 रुपीज, और यू कैन से 5 रुपीज, और यू कैन से 0 रुपीज। पर जो जीरो आ गया, तो जीरो का मतलब क्या हुआ, ये जो 100 है ये क्या चीज है, ब्रेक इवन प्राइस, राइट। तो ये आपके पास ब्रेक इवन प्राइस है। और आगे चलते हैं, ये 15 आ गया, 15 क्या चीज है, 15 मतलब कि 15 रुपए तो हमारे राइटर ने बायर को रिम्बर्स किए, पर इस 15 रुपए के रिम्बर्समेंट के लिए हमारा जो बायर है वो ऑलरेडी राइटर को कितना पे कर चुका है, 20 रुपए। तो यानी कि हमारे हमारे इस बायर का कितना लॉस आ गया है, -5। और यहाँ पर 10 माइनस 20 हाउ मच, -10, एंड देन -15, एंड देन -20। और बच्चों आगे वाली सिचुएशन में हमारा हमारे बायर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लॉस बन के आ रहा है वो कितना बन के आ रहा है, रिम्बर्समेंट कुछ है नहीं, बट बायर ऑलरेडी प्रीमियम का अमाउंट पे कर चुका है, तो हमारे बायर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, प्रीमियम के बराबर, और प्रॉफिट कितना हो सकता है, 0, 5, 10 एंड सो ऑन, राइट। तो बच्चों इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को हम लोग पहले ग्राफ के थ्रू आपके सामने आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ मतलब वही सब कुछ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बचपन से आप लोग बनाते आए हैं, राइट। तो इस ग्राफ पर हमने क्या किया, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 90 से, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, उसके आगे आप प्रोसीड करना, एंड प्रॉफिट में 5, 10, 15, 20 ऐसे आके जो तो नहीं है, लॉसेस को भी कंसिडर करना होगा, -5, -10, -5, -10, -15, -20, एंड दिस इज वाई एक्सिस नेगेटिव एंड सो ऑन, एंड दिस इज जीरो, एंड वी हैव टू फॉर्म ए किंग। किंग मतलब पहले जो गैप है वो गैप बाकी गैप के बराबर नहीं है। 90 पर बताओ, 90 जब प्राइस था तो हमारे बायर का जो नेट पे ऑफ है वो कितने रुपीज का है, 10 रुपीज का, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो 90 पर हमारे बायर को प्रॉफिट हो रहा है। 95 पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5। 100 पर कितना हो रहा है, 0। 105 पर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, -5। 110 पर -10, और 115 पर -15, 120 पर -20। उसके बाद जो लॉस है वो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना है,
-20 ही है, मतलब इससे ज्यादा को लॉस हमारे बायर को नहीं है, राइट। तो जो इसको मैंने फिर से स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट इसको ज्वाइन कर दिया, और ये बिल्कुल स्ट्रेट ही ज्वाइन हो जाएगा, इट्स अ नॉट इशू, और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट। तो ये जो हमने किया है किसके एंगल से किया है, बायर पे ओ। अच्छा, ये जो ग्राफ बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है, ये बन रहा है बेसिकली किसके लिए, पुट ऑप्शन के लिए। तो हेडिंग आप उसमें जरूर डाल दीजिएगा पुट ऑप्शन, शायद मैंने लास्ट ग्राफ के अंदर कॉल ऑप्शन हेडिंग नहीं डाली थी, राइट। तो वहां पर भी हेडिंग आप कॉल ऑप्शन जरूर डालेंगे। सो दिस इज अ पुट ऑप्शन ग्राफ, राइट। अब थोड़ा सा एनालाइज करो, कोई भी पर्सन बायर कब बनना चाहेगा, बायर ऑफ द पुट ऑप्शन, ये बायर का ग्राफ है बेसिकली। तो बायर ऑफ द पुट ऑप्शन कोई भी पर्सन कब बनना चाहेगा, क्या कहते हो, जब उसको ये एक्सपेक्टेशन हो। मैंने कहा सर दिस मार्केट इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेशन, तो अगर कोई पर्सन, आप कहोगे सर ये एक्सपेक्टेशन कैसे आती है ये बताओ, राइट, ये एक्सपेक्टेशन कैसे है। बच्चों आज के डेट में मार्केट जो है 27,000 है, राइट, और मार्केट जो है वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितना बना चुकी है, अराउंड 30,000 के आसपास, 31,000 के आसपास, अब 27,000 पे है, राइट। अब बताओ मार्केट जो है वो डाउन है या अप है, अगर इसको आप 8 साल पहले वाले से कंपेयर करोगे तो अप है, राइट, अगर अभी से कंपेयर करोगे तो डाउन है। अब दो तरह के लोग हो गए, पहले लोग क्या सोच रहे हैं, वह डाउन है, तो डाउन जो लोग सोच रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बढ़ेगी मार्केट, इंक्रीज होगी, जब इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि वो क्या है, बुलिश, उनको लग रहा है कि प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर उनको लग रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो सोचो, अगर आपको लगता है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे, अगर आपको लगता है कि प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, अगर आपको ये लगता है तो बच्चों आपका इस तरह से लॉस में आना चाहोगे, हाँ जी लॉस में आना चाहोगे, नहीं, बट आपको लगता है कि प्राइसेस डिक्रीज होंगे, प्राइसेस डाउन होंगे, प्राइसेस क्या होंगे, डाउन होंगे, तो डाउन होंगे तो यहां पर कॉल बायर को क्या हो रहा है, हाँ जी प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, यस। तो आप क्या बनना चाहोगे, पुट बायर, पुट है नॉट कॉल, राइट। तो मैंने कहा सर कोई भी पर्सन पुट बायर कब बनना चाहेगा, जब उसे लगता हो कि प्राइसेस फ्यूचर के अंदर डाउन जाने वाले हैं। अगर पर्सन को ये लगता है कि प्राइसेस फ्यूचर के अंदर डाउन जाने वाले हैं तो हम लोग पुट बायर बनना चाहेंगे, आई थिंक क्लियर। अच्छा, अब राइटर के एंगल से का बात कर लेते हैं, राइटर के एंगल से ये हमने जो बातें की थी किसके एंगल से की थी, ये हमने बायर के एंगल से बात की थी। हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि नेट पे ऑफ राइटर का क्या होगा, राइटर का। तो राइटर के एंगल से बात करूंगा, जो प्रीमियम का अमाउंट बायर ने पे किया और राइटर ने रिसीव किया, तो राइटर के पास 20 रुपए तो आ गए, ठीक है, और राइटर ने अपनी पॉकेट से पे क्या किया, 30 रुपए, राइट। तो 20 रुपए राइटर ने रिसीव किए, 30 रुपए पे किए, तो हमारे राइटर को 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस। तो इसको हम लोग क्या कैसे लिखें, इट विल बी a माइनस b, तो हियर -5। और बच्चों बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, जब जब प्रॉफिट हुआ है बायर को तब तक राइटर को नुकसान हुआ होगा, जब जब बायर को लॉस हुआ था तब तक राइटर को प्रॉफिट हुआ होगा। तो -15 + 15 20 20 20 20 एंड इट विल बी 20 इन ऑल द केसेस, राइट। और अगर मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करूं तो कैसे प्लॉट करूंगा, 90 पर, हाँ जी 90 पर देख के बताओ, 90 पर प्रॉफिट कितना है, 10 रुपीज का, तो 90 पर -10 है, ओके -10, 95 पर -5, 100 पर 0, और उसके बाद 105 पर +5 एंड देन +10। तो बच्चों अब जो ये ग्राफ बन रहा है राइटर के लिए वो किस तरह का बन रहा है, पहले वाले ग्राफ का बिल्कुल मिरर इमेज है ना, सो इट इज कंप्लीटली मिरर इमेज ऑफ द प्रीवियस वन। तो ये हमने किसके एंगल से किया, राइटर के एंगल से, दिस इज बेसिकली राइटर पे ऑफ, राइट। अब मुझे बताओ कोई भी पर्सन राइटर का बनना चाहेगा, जब उसके क्या एक्सपेक्टेशन हो, मार्केट प्राइस क्या होने वाले हैं, जब आपको उम्मीद हो कि मार्केट प्राइस बढ़ने वाले हैं, अगर मार्केट प्राइस बढ़ने वाले हैं तो अब आप क्या करोगे, राइटर बनना चाहोगे, राइट। अगर आपको उम्मीद है कि मार्केट प्राइस बढ़ने वाले हैं और आप अगर राइटर ना बनो तो बच्चों क्या होगा, तो क्या कोई लॉस कमाने के लिए राइटर बनना चाहेगा, नहीं।
मतलब दो तरह के लोग हैं, एक तरह के वो लोग जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, राइट, तो वो क्या बनना चाहेंगे, राइटर। दूसरे तरह के लोग हैं जो कि जिनको उम्मीद है कि प्राइसेस डाउन होने वाले हैं, वो लोग क्या बन रहे हैं, वो बायर बन रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ प्रॉफिट आएगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं यही बेसिकली मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करती है। आई थिंक क्लियर, कॉपी कीजिएगा वेरी फास्ट।